नमस्कार आदाब, मैं निकेत सिंह राणा आप सभी का स्वागत करता हूँ आरवाई न्यूज में। ये नजर डालते हैं ये मुख्य समाचार। मारो जोर से जरा। दहशत को रोकने वाले हम कौन है और केसीआर चाहिए और वो घर जो है पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहिए। उस वक्त केसीआर साहब का यही नारा था, हर फर्द बढ़े पढ़ेगा हर घर पढ़ेगा। और उसके लिए केसीआर साहब ने एमएलएस के नाम से कई सौ रेसिडेंशियल स्कूल कायम किए। आज हमारे तेलंगाना में हमें तालीम मिल रही है जिससे अच्छी से अच्छी तरबियत भी हासिल हो रही है। हम तमाम लोगों को पेट भर के लिए खाना भी मिल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह पहनने के लिए कपड़ा दिया जा रहा है। मैं आज के इस प्रोग्राम को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे मेरे कई बहने बैठी हुई हैं जो ये ट्रेनिंग सेंटर की बात करते हैं, तो मैं आज इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए हमारे चेयरमैन साहब से इस बात की गुजारिश करूंगा कि जिन जिन लड़कियों के पास टेलरिंग के सर्टिफिकेट्स हैं और मशीनों की कमी है, हम हुकूमत से नुमाइंदगी करेंगे। हमारे चेयरमैन साहब के जरिए हम ये कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हर फर्द जिसके पास ये सर्टिफिकेट है वो उस काबिल है और उस मशीन लेने के काबिलियत नहीं रखता है, वो हुकूमत के जरिए इस मशीन को हासिल करें और चेयरमैन साहब हमारी इसमें पूरी पूरी मदद करेंगे। ज्यादा वक्त ना लेते हुए कम वक्त में भी तकरीर खत्म करूंगा क्योंकि मैं माजरत खा हूँ, मैं एक घंटा लेट आ चुका हूँ और ज्यादा वक्त तवील में तकरीर करते हुए आपका और ज्यादा वक्त ना लूंगा। मैं आपको एक ही बात कहूंगा, हमारे खैसर भाई साहब 2013 से इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम कर रहे हैं, वो हर गरीब के मसले मसाइल तक हुकूमत तक ले जाने में कोई कसर बाकी नहीं रखते। हमने देखा कि आपके इस बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को बुलाया, उन्होंने होम मिनिस्टर साहब को बुलाया, उन्होंने डिप्टी मेयर साहब को बुलाया, मेयर साहब को बुलाया और आज हमारे चेयरमैन साहब को बुलाया। इससे पहले भी दूसरे चेयरमैन यहाँ पे मौजूद थे, यहाँ पे एक हमारे भाई इतनी कोशिश करके इस पार्टी के लिए और आपके मसाइल से लड़ने के लिए। इसी के साथ दीजिए इजाजत, मैं निकेत सिंह राणा आरवाई न्यूज, सबसे आगे सबसे तेज।